नमस्कार, मैं डॉक्टर मालती साहू। वैल्यू एजुकेशन के आज के हमारे अगला टॉपिक है सामाजिक मूल्य या सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक इसका फुल क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक मूल्य, इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे सामाजिक मूल्य का अर्थ, सामाजिक मूल्य की परिभाषा, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, सामाजिक मूल्य के प्रकार, सामाजिक मूल्यों का महत्व और सामाजिक प्रतिमाओं का प्रभाव। सामाजिक मूल्य वे मानक है जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, लक्ष्य, साधन, गुण आदि का अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहराते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड भी कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो हमारे जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। समाज मूल्यों का विकास है, वह त्याग को भोग से और श्रेय को प्रेय से अधिक मूल्यवान मानता है। मूल्य समाज के प्रमुख तत्व हैं तथा इन्हीं मूल्यों के आधार पर हम किसी समाज की प्रगति, उन्नति, अवनति तथा परिवर्तन की दिशा निर्धारित करते हैं। इन्हीं मूल्यों द्वारा व्यक्तियों की क्रिया निर्धारित की जाती है तथा इससे समाज का प्रत्येक पक्ष प्रभावित होता है। सामाजिक मूल्यों के बिना न तो समाज की प्रगति की कल्पना की जा सकती है और न ही भविष्य में प्रगतिशील क्रियाओं का निर्धारण ही संभव है। अब देखते हैं सामाजिक मूल्य का अर्थ। सामाजिक मूल्य विभिन्न सामाजिक घटनाओं को मापने का वह पैमाना है, या इसको हम मूल्यांकन भी कह सकते हैं, जो किसी घटना विशेष के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज के वातावरण और परिस्थिति के वैभिन्न के कारण अलग अलग होते हैं। यह मानव मस्तिष्क को विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो सामाजिक मूल्यों के निर्माता होते हैं। प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएं अपने समाज के सदस्यों में विशिष्ट मनोवृत्तियां उत्पन्न कर देती हैं, जिनके आधार पर भिन्न भिन्न विषयों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। आइए अब सामाजिक मूल्य की कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। सामाजिक मूल्य को भारतीय एवं विदेशी विचारकों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है। H.M. जॉनसन के अनुसार मूल्य को एक धारणा या मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और इसके द्वारा चीजों की एक दूसरे के साथ तुलना की जाती है। इसे स्वीकृति या अस्वीकृति भी प्राप्त होती है। एक दूसरे की तुलना में उचित अनुचित, अच्छा या बुरा तथा सही या गलत माना जाता है। दूसरा परिभाषा है राधाकमल मुखर्जी के अनुसार, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो व्यक्ति परक अधिमान्यताएं, मानदंड तथा अभिलाषा है बन जाती हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मूल्य का एक सामाजिक आधार होता है और वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। मूल्य हमारे व्यवहार का सामान्य तरीका है। मूल्यों द्वारा ही हम अच्छे या बुरे, सही या गलत का अंतर करना सीखते हैं। अब सामाजिक मूल्यों की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं में है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सामूहिक होते हैं, सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य द्वारा समाज स्वीकार किए जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भावनाओं से जुड़े होते हैं, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं, सामाजिक मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और इसीलिए इनमें परिवर्तन करना कठिन होता है। व्यक्तियों की इनके प्रति प्रतिबद्धता या वचनबद्धता के कारण ही इनमें परिवर्तन करना कठिन होता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण व आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्य मानव व्यवहार के प्रेरक अथवा चालक के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक मूल्यों में संज्ञानात्मक, आदर्शात्मक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तत्व निहित होते हैं। किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। सामाजिक मूल्य व्यक्ति पर थोपे नहीं जाते, अपितु वह समाजीकरण द्वारा स्वयं इनका आंतरिकरण कर लेता है और इस प्रकार वे उनके व्यक्तित्व के ही अंग बन जाते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के लक्ष्यों, साधनों व तरीकों के चयन के पैमाने हैं। हम सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किसी
एक लक्ष्य को अन्य की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता देते हैं। मूल्य व्यवहार करने के विस्तृत तरीके ही नहीं अपितु समाज द्वारा वांछित तरीकों के प्रति व्यक्त की जाने वाली प्रतिबद्धता भी है। नेक्स्ट है, किसी भी समाज के मूल्य वहां की संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मूल्य संस्कृति की उपज है तथा वे संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। और लास्ट है, सामाजिक मूल्य ही नैतिकता अनैतिकता अथवा उचित अनुचित के मापदंड होते हैं। अब है सामाजिक मूल्यों के प्रकार। विद्वानों ने इसका वर्गीकरण भी विविध प्रकार से किया है, जैसे इलियट एवं मेरिल के अनुसार। पहला है देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है मानवीय स्नेह और तीसरा है आर्थिक सफलता। इसी प्रकार सीएम केस के अनुसार पहला है जैविक या सावयवी मूल्य, जो व्यक्ति की शरीर रक्षा के लिए निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक मूल्य, इन मूल्यों की उत्पत्ति व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अनियमितता और नियंत्रण के लिए हुई है। परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य तथा सभी सांस्कृतिक मूल्य कहे जाते हैं। तीसरा है सामाजिक मूल्य, वे मूल्य सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, जिनमें सहयोग, दान, सेवा, निवास, भूमि, समूह इत्यादि के निर्धारित मूल्य इस कोटि में आते हैं। चौथा है विशिष्ट मूल्य, इनका निर्धारण विशिष्ट परिस्थितियों के लिए किया जाता है। अवसर विशेष के लिए जिन मूल्यों का प्रचलन किया जाता है वे ही विशिष्ट मूल्य कहलाते हैं। सामाजिक मूल्यों का महत्व। सामाजिक मूल्य समाज के सदस्यों की आंतरिक तथा मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित होता है, इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यों का अत्यधिक महत्व होता है। इनके आधार पर ही सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। संक्षेप में सामाजिक मूल्यों का महत्व इस प्रकार है। सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं। सामाजिक मूल्य समाज में एकरूपता उत्पन्न करते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार एवं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन करते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक संगठन व एकीकरण में सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्यों के द्वारा सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक तथ्यों और घटनाओं जैसे विचार, अनुभव तथा क्रिया आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः बदलते हुए समय में परिवर्तित सामाजिक मूल्यों में को अपनाया जाता है। मनुष्य अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्न करता रहता है। सामाजिक मूल्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्य मानवीय मूल्यों व आदर्शों के स्रोत हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के समाजीकरण एवं विकास में सहायक होते हैं। अतः सामाजिक मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव, क्या इसे ये भी कह सकते हैं कि जो सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं वो कारक निम्नलिखित हैं। सामाजिक प्रतिमानों के आधार पर हम किसी मानव व्यवहार को उचित या अनुचित ठहराते हैं। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ही मनुष्य ने अनेक प्रथाओं, रीति रिवाजों, परिपाटियों, रूढ़ियों एवं कानून आदि की रचना की है। उनमें से पहला है जनरीतियां या लोक रीतियां, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं। यह दैनिक जीवन के व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो नियोजित अथवा बिना किसी तार्किक विचार के ही सामान्यतः समूह में अचेतन रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। जनरीतियां या लोक रीतियां हमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहने की कला सिखाती है। जन रीतियों में केवल ऊपरी सतह पर ही परिवर्तन होते हैं। ये अपेक्षाकृत स्थायी इसलिए रहती हैं कि इसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। दैनिक जीवन में हम हजारों तरह की जन रीतियों का पालन करते हैं। दूसरा है लोकाचार एवं रूढ़ियां। मानव व्यवहार के वे प्रतिमान है जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है तथा इनका उल्लंघन करना समाज का अपमान करना समझा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, जिन्हें बिना किसी विचार या तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे एक विवाह प्रथा, सती प्रथा, पति व्रत, पति सेवा,
मातृ पितृ सेवा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, संपत्ति उत्तराधिकार के नियम आदि उल्लेखनीय हैं। इनका पालन समूह के हित में माना जाता है और उल्लंघन करने पर तीव्र प्रतिक्रिया होती है। प्रथाएं, यह भी अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमान है। जिन रीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है तो वह प्रथाएं बन जाती है तथा हमारे संस्कृति की धरोहर मानी जाती है। उनमें तर्क का होना आवश्यक नहीं है। प्रथाएं ऐसी जन रीतियां हैं जो एक पीढ़ी तक निरंतर प्रचलन में रहते हुए अनौपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। जैसे हमारे घरों में अक्सर होता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना, या घर में हम पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अपनी जाति में विवाह करना दूसरी जाति में विवाह करना प्रतिबंधित माना जाता है। मृत्यु भोज, खुशी के अवसर पर आयोजित प्रीति भोज, बाल विवाह, दहेज हमारे समाज में प्रचलित है। बाल विवाह अभी प्रचलन में नहीं है क्योंकि इसका बहुत विरोध किया गया है, तो इसको हम अलग मान सकते हैं। अगला है परंपरा। यह मनुष्य को विरासत में मिलती है। व्यक्ति के जीवन यापन के लिए अनेक भौतिक व अभौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यह सब उसे समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक विरासत के रूप में मिलता है। जैसे हम पुराने समय से अपने पूर्वजों से जो प्राप्त चीजें हैं, जैसे घड़ी है, पेन, रेडियो, टेलीविजन, पंखा, कपड़े आदि हजार प्रकार की वस्तुएं जो भौतिक वस्तुएं हैं वो हमें विरासत में मिली है। इसके साथ ही हमें अपने परिवारजनों से विरासत में धर्म, विचार, दर्शन, प्रथाएं, नियम, रीति रिवाज आदि अभौतिक सामाजिक चीजें भी विरासत में मिली हुई हैं, जिनका हम पूरे मनोयोग से पालन करते हैं। अगला है फैशन तथा धुन। फैशन एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को प्रभावित करता है। अगर हम फैशन के अनुरूप न चलें तो हमें पिछड़ा या बैकवर्ड कहा जाता है। तो फैशन को मानना हमारी या तो मजबूरी भी है और हमारी आधुनिकता का प्रतीक भी है। मनुष्य जो है वो हमेशा नवीनता एवं भिन्नता के लिए परिवर्तन चाहता है। वह प्राचीन आदर्शों का आधुनिकीकरण करता हुआ भी नवीन व परिवर्तन का प्रेमी हो गया है। लोकाचार, प्रथाएं, परंपरागत नैतिकता, परिपाटी एवं शिष्टाचार में अपेक्षाकृत स्थायित्व पाया जाता है, जबकि फैशन पूर्णतः अस्थायी प्रकृति के होते हैं। जब प्रथाओं का पतन होता है तो फैशन का अधिक प्रचलन होता है। यह औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ फैशन का प्रचलन भी आजकल बढ़ा हुआ है। फैशन के साथ चलने में आदमी अपने आप को जागरूक व आधुनिक महसूस करता है। इसी प्रकार धुन भी है। हम पुरानी धुनों को छोड़कर नए धुन, जिनको हम आजकल वेस्टर्न म्यूजिक कहते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। धुन भी फैशन ही है, पर फैशन से भी अधिक तीव्रता को व्यक्त करती है। जब कोई भी नया डिजाइन निकलता है तो पहले कुछ ही लोग उसे अपनाते हैं और इसे ही धुन कहते हैं। यदि इसे अधिक लोग अपनाने लग जाते हैं तो यह फैशन कहलाने लगता है। धुन फैशन की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील, आडंबरपूर्ण, अतार्किकता तथा अस्थायी होती है। अगर फैशन का आपको एग्जाम्पल दूं तो हम वेस्टर्न फैशन को अधिक फॉलो करते हैं और जो प्राचीन पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं जो भारत में आते हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति या भारतीय फैशन को अपनाते हैं। आपने विदेशियों को देखा होगा, वो साड़ी पहनना पसंद करते हैं। विदेशी महिलाएं आजकल रुद्राक्ष धारण करती हैं, बालों में फूल लगाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, माथे पर बिंदी या तिलक लगाती हैं। तो ये हमारे भारतीय परंपरा उनके फैशन में है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य जो है वह मनुष्य की आधारभूत इच्छाओं और आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक माध्यम है। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन व नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होता है और यह हमारी भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक मूल्य एकरूपता, व्यक्ति के व्यवहार एवं प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही सामाजिक संगठन और एकीकरण में भी सहायक है। सामाजिक मूल्यों को सामाजिक दक्षता का मूल्यांकन एवं सामाजिक नियंत्रण आदि बदलते हुए समय के साथ परिवर्तन तथा व्यक्तित्व निर्माण, मालवीय मूल्यों और
आदर्शों के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है।